आज की इस वीडियो में मैं हेवंस गेट की बात करूंगा। हेवंस गेट एक बहुत ही भयानक कल्ट था। कल्ट कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें सभी लोग बहुत ही अजीब और दुनिया से हटके कुछ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मान्यताएं बना लेते हैं। अक्सर कल्ट के मेंबर्स अपने लीडर्स पर ब्लाइंडली विश्वास करते हैं और उन्हें बिल्कुल अंधविश्वासियों की तरह फॉलो करते हैं। तो अब बात करते हैं एक बहुत ही खतरनाक कल्ट हेवंस गेट की। Not talking about human life. If planet is about to be recycled and we see the planet as a stepping stone. तो कहानी शुरू होती है 1972 में, जब बोनी नेटल्स और मार्शल एप्पल वाइट मिलते हैं। मार्शल एप्पल वाइट और बोनी नेटल्स एक स्पिरिचुअल जर्नी में निकल जाते हैं और इस बीच इनके साथ बहुत से लोग जुड़ते जाते हैं और वो इनके ब्लाइंड फॉलोवर्स बन जाते हैं। 1976 तक इस ग्रुप में बहुत से मेंबर्स हो चुके होते हैं और अब ये ग्रुप एक कल्ट बन चुका था, क्योंकि इस ग्रुप के मेंबर्स बहुत ही हटके दुनिया से बिल्कुल अलग कुछ अजीब सी चीज़ें करने लगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कल्ट के मेंबर्स का एक गोल होता है जो समाज से बिल्कुल अलग, हटके और बहुत ही अजीब होता है। तो इस कल्ट के फॉलोअर्स का या मेंबर्स का ये मानना था कि वो खुद को अमर और एक अलौकिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और स्वर्ग में जा सकते हैं। ये लोग इसे नेक्स्ट लेवल कहते थे। इनका मानना था कि नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए इन्हें अपनी ह्यूमन नेचर को रिजेक्ट करना होगा और अपनी ह्यूमन नेचर को रिजेक्ट करने के बाद ये लोग एक एलियन बन जाएंगे जो ह्यूमन से एक सुपीरियर फॉर्म होगी और उसके बाद ये UFO के थ्रू नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेंगे। मगर 1985 में नेटल्स के मरने के बाद एप्पल वाइट ने हेवंस गेट के मेंबर्स को कन्विंस किया कि हमारी बॉडी एक कंटेनर है जिसमें हमारी सोल यानी कि हमारी आत्मा ट्रैप हो चुकी है और हमें अब एक रिचुअल करना होगा जिसमें हम अपनी ह्यूमन नेचर को रिजेक्ट करके नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे और एक हायर फॉर्म अचीव करेंगे, और इसे नाम दिया गया द फाइनल रिचुअल। और इस रिचुअल को परफॉर्म करने का तरीका था सुसाइड। Okay, this is regarding what? This is regarding a mass suicide and I can give you the address. नतीजा ये हुआ कि 26 मार्च 1997 को 39 मेंबर्स विद मार्शल एप्पल वाइट ने मास सुसाइड कर लिया। 39 मेंबर्स एक ही घर में सुसाइड कर चुके थे और पुलिस ये सब देख के बिल्कुल शॉक रह गई थी। जिन लोगों ने सुसाइड किया उन लोगों ने सेम कपड़े पहने हुए थे, सेम नाइकी के स्नीकर्स पहने थे और सभी डेड बॉडीज़ के ऊपर एक पर्पल कलर का कपड़ा था। दुनिया में ऐसे और भी बहुत से कल्ट और ग्रुप थे और कुछ आज भी है, जैसे कि इल्यूमिनाटी और अघोरी। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियोज़ बनी हुई है जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।